Well, hey guys, this is Abhishek Kumar and welcome to my YouTube channel. तो guys, आज की वीडियो इतनी प्यारी बनने वाली है ना, इतनी प्यारी, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और guys, मैंने अभी अपना रूम रेनोवेट करवाया, तो इस पे बहुत सारे पैसे लग गए थे, तो इसमें से मैंने थोड़े से पैसे कमाया बहुत ही ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म बिनोमो से। तो guys, चलो मैं आपको बताता हूँ बिनोमो में पैसे कैसे कमाए जाते हैं। तो गाइस, जैसे कि आप देख सकते हो, मैंने बिनोमो ऐप ओपन कर लिया और मेरे रियल अकाउंट में 52,000 रुपीज है। अब आपको क्या करना है, एसेट सेलेक्ट करना है जो कि मैंने पहले किया हुआ। उसके बाद आपको क्या करना है, अमाउंट सेलेक्ट करना है जितना अमाउंट आप इन्वेस्ट करना चाहते हो। जैसे मैं 7,000 रुपीज इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। अब आपको प्रिडिक्ट करना है ये जो ग्राफ है ये ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। तो आई थिंक ये ग्राफ नीचे जाएगा। अब आपको वेट करनी है रिजल्ट की। तो गाइस, जैसे कि आप देख सकते हो, मैंने 12,600 रुपए कमा लिए हैं। गाइस, आप कमाए हुए पैसों को बहुत आसानी से विड्रॉ करवा सकते हो, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस भी हैं। तो गाइस, आप किस चीज की वेट कर रहे हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाके बिनोमो ऐप डाउनलोड करो। अगर आप मेरे लिंक से डाउनलोड करते हो तो आपको $1,000 मिलते हैं आपके डेमो अकाउंट में प्रैक्टिस करने के लिए। तो गाइस, जल्दी से जाओ। तो गाइस, अब मैं निकल रहा हूँ बाहर वीडियो शूट करने के लिए, तो देखते हैं कैसी वीडियो बनती है। आ तो गया। हाँ बेबी, यार जल्दी बताओ कितना टाइम लग गया। अरे जल्दी बताओ क्या, मैं पहुंच तो गया, तुम्हारे साइड में तो बैठा हूँ। खाना खा लिया? हाँ, कब से खा लिया, जब आपने पूछा था तभी खा लिया था। आपने खा लिया? स्टूपिड थोड़ी है, बहुत क्यूट है, एक बार ध्यान से तो देखो। बेबी जल्दी आओ यार, मैं। अरे आ तो गया, क्या बात कर रहे हो, पहुंच तो गया मैं। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं हैंडल कर लूंगी। क्या हैंडल कर लोगे, क्या हैंडल कर लोगे, सब कुछ तो अच्छा चल रहा है, क्या हैंडल करना। ओके ओके ओके, क्या बाय क्यों कर दिया आपने यार। हाँ बेबी, यहाँ पे एक लड़की बैठी है, वो मुझ पे लाइन मार रही है, पता नहीं क्यों बोल रही है यू आर क्यूट, पता नहीं क्या हो गया इसको, पता नहीं क्यों इतना मेरे ऊपर पता नहीं क्यों ध्यान दे रही है वो। स्माइल भी कर रही है अब। हाँ ब्लश भी कर रही है, पता नहीं उसका बॉयफ्रेंड है, पता नहीं ऐसी एक्टिंग कर रही थी। चलो मैं आपसे ना थोड़ी देर में बात करता हूँ, मैं इनसे थोड़ी सी बात कर लेता हूँ। हाँ ठीक है। हाय अभिषेक। हाय माही। सो आप बॉयफ्रेंड से बात कर रहे थे? बॉयफ्रेंड है यार, मेरी तो गर्लफ्रेंड नहीं थी, मैं तो आप मतलब मैं तो ऐसे ही बोल रहा था। आपने फोन क्यों कट कर दिया, बात कर लेते ना। आप बीच में परेशान कर रहे थे ना। मैं परेशान कर रहा हूँ? यस। मैं कहाँ परेशान कर रहा था, मैं तो अपनी कॉल पे था, आप अपनी कॉल पे थे। आप कर रहे थे? नहीं कर रहा ना मैं, कर रहे थे। नहीं पर आप यार क्यों बॉयफ्रेंड क्यों बना लिया आपने, मेरी वेट क्यों नहीं करी। क्या हो गया, क्यों शट अप, क्यों आईज दिखाना भाई। हम दोनों की आईज सेम है, पता आपको, ब्राउन ब्राउन, हम दोनों धोखेबाज हैं। नो यू आर, आई एम नॉट। आपकी आंखें ब्राउन होती है ना, वो धोखेबाज होते हैं। नहीं हाँ, आप हिमाचल से हो ना? या मुझे स्किन देख के पता चल रहा था कि कौन लड़की कहाँ से। हो गया क्या, हो गया, अब मैं वेट करूं बॉयफ्रेंड का? आ तो गया। गॉड नहीं बचाएगा आप तो, सिर्फ मैं ही बचाऊंगा, गॉड तो ऊपर है, ये वाला इंसान नीचे है। वैसे आपकी स्माइल बहुत अच्छी है, पता आपको। Thank you. तो आप यहाँ पे मतलब इतने खाली पार्क में अपने बॉयफ्रेंड का वेट कर रहे हो, तो उसको आने में मुझे लगता है वो किसी और लड़की के साथ या चले जाओ, वो जल्दी से आ जाएगा। तब भी तो मैं वेट कर रहा हूँ, वो देखे हम दोनों को साथ में और जल जल के राख हो जाए और यहाँ से चला जाए। फिर वो बॉयफ्रेंड भाई वो नहीं है, वो कहीं और भी मुंह मार रहा होगा, और ट्रस्ट तो ठीक है, कहीं और मुंह मार रहा होगा, आई एम श्योर। मतलब यू हैव अ बॉयफ्रेंड है ना, बहुत सीरियस वाला। हाँ यार, मतलब शादी करोगे आप उससे? क्यों आप रुको, मैं एक बार मम्मी को कॉल कर लूं। हाँ जी मम्मा। हाँ नहीं, वो शादी कैंसिल कर दो आप। हाँ उसका तो बॉयफ्रेंड है और पता नहीं, बहुत सीरियस है वो।
नहीं पर आई थिंक मैं मतलब मैं ट्राई तो कर ही रहा हूँ, क्या पता वो मान जाए कॉफी के लिए बाकी पता नहीं मुझे। हम कॉफी पीने तो जा सकते हैं? नहीं जा सकते। मेरा बॉयफ्रेंड आ रहा है। आपका बॉयफ्रेंड ना पता नहीं कहाँ मुंह मार रहा होगा, नहीं तो किस इतनी सुंदर लड़की को कोई वेट करवाता है मुझे ये बताओ। वो ऐसा नहीं है, आ रहा है वो, आने वाला है। नहीं आ रहा वो अब इतना कांप क्यों रहे हो, मुझसे डर रहे हो आप? यार ऐसे मत करो यार, मैं तो कितना शांति से आराम से बैठा हूँ आपके पास आके। डरो मत प्लीज। डर रहे हो कि हंस रहे हो मुझे समझ नहीं आ रहा क्या कर रहे हो आप। अच्छा आप इंस्टाग्राम पे हो? इनको इंस्टाग्राम का यूज़र नेम तो बता दो प्लीज़। इंस्टाग्राम का यूज़र नेम तो बता ही सकते हो? नहीं। चलो मैं टाइप कर देता हूँ अपना। नहीं। अरे दे दो यार इंस्टाग्राम, फ्रेंड्स तो बन ही सकते हैं, इतना भी ट्रस्ट नहीं है बॉयफ्रेंड को आप पे? अभी बोल रहे थे इतना ज़्यादा ट्रस्ट है लाओ। मैंने जान के अपना यूजर नेम मतलब अपनी प्रोफाइल खोल के दिखा दी कि आप थोड़े से नहीं थोड़े से इंप्रेस हो जाओ आप। देखो हम बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड तो नहीं बट हम फ्रेंड्स तो अच्छे बन सकते हैं ना, तो फ्रेंड्स अच्छे बन सकते हैं तो हम कॉफ़ी पे भी चल सकते हैं? नहीं चल सकते, बिल्कुल भी नहीं कॉफ़ी पे चल सकते, नंबर एक्सचेंज कर सकते हैं? क्यों, तो फ्रेंड्स कहाँ हैं कि वो जब नंबर नहीं एक्सचेंज कर सकते, इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं कर सकते, हम कॉफ़ी पीने नहीं जा सकते, तो फ्रेंड्स कहाँ के हुए हम? माही अभिषेक आपको पता है मैं एक शो कर रहा हूँ उडारियाँ कलर्स पे आता है वो, और उसमें जो मेरी सिस्टर है उसका नाम माही है पता है बट यहाँ पे मैं इस माही को सिस्टर नहीं बना सकता बिल्कुल भी। तो क्या हम नंबर एक्सचेंज कर सकते हैं कभी, और जब आपका बॉयफ्रेंड इधर उधर हो तो हम नॉर्मली फ्रेंड्स तो मिल ही सकते हैं ना? नहीं नंबर नहीं, फॉलो कर। हाँ इंस्टा पे फॉलो कर लो ठीक है, बट आप कांपो मत यार प्लीज, आराम से फॉलो करो यार मुझे डर लग रहा मेरा बॉयफ्रेंड आ जाएगा प्लीज। बॉयफ्रेंड आ जाएगा, आप उसको तो ट्रस्ट है ना आप पे, तो डरना वही तो नहीं आ गया क्या सरदार है मेरा बॉयफ्रेंड सरदार नहीं। अच्छा कैसा है बॉयफ्रेंड आपको, वैसे कैसे लड़के पसंद है, मतलब मैं आपको पसंद आऊँ वैसे थोड़ा थोड़ा? हाँ हाँ तो बोल दिया आपने, थोड़ा सा पसंद आया, ज़्यादा पसंद नहीं आया? देखो मैं ज़्यादा पसंद भी आ सकता हूँ अगर आप मेरे साथ कॉफ़ी पे चलो। देखो यहीं पे 3B2 की मार्केट है, यहाँ पे एक कोल्ड कॉफ़ी पियेंगे दोनों और थोड़ी सी गेड़ी लगाएंगे, तब तक आपका बॉयफ्रेंड आ जाएगा और फिर आप चले जाना। नहीं वो आने वाला है, अभी नहीं आएगा आई एम श्योर। बॉय ये क्या फॉलो करके अनफॉलो कर दिया आपने, बड़े गंदे हो यार ऐसे नहीं चलेगी। अच्छा सुनो आप कांपो मत, मैं कुछ चीज़ बताता हूँ। मैं एक रिएक्शन वीडियो शूट कर रहा था तो आई एम रियली वेरी सॉरी, मैं एक नॉर्मल वीडियो शूट कर रहा था और यार पहले क्यों नहीं बताया, पहले बताता तो वो रिएक्शंस ना निकलते आपके, तो गॉड आई एम सो सॉरी, बट आपका बॉयफ्रेंड आ जाएगा इससे पहले मैं निकल जाता हूँ, आपको बुरा तो नहीं लगेगा ना? नहीं, मैं, नहीं, it's okay, it's okay. मैं वीडियो पब्लिश कर सकता हूँ ना? नहीं पहले बताते तो मैं और ज्यादा अच्छे से करती। नहीं फिर वो स्क्रिप्टेड हो जाता, फिर कोई मज़ा ही नहीं ना आता, रियल तो होना चाहिए था ना। बाय द वे थैंक यू सो मच माही, एंड गाइस थैंक यू सो मच, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट एंड शेयर कर देना। और माही बहुत डरी हुई है, इसको हम यहाँ पे छोड़ देते हैं कि इसका बॉयफ्रेंड आए और ये दोनों मिलें, मैं चलता हूँ। थैंक यू माही।